देखो, वेणु गीत और युगल गीत का अर्थ बहुत मिलता जुलता है। फर्क यह है कि वेणु गीत का गायन करके गोपियां क्रीड़ास तन्मयताम ययोः, भगवान में तन्मय हुई, और युगल गीत भगवान में तन्मय गोपियां गा रही है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिः आश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदः। भगवान ने अरिष्टासुर वृषभासुर का उद्धार किया, केशी दैत्य को मारा, व्योमासुर को मारा। देखो, ये सब जो असुरों को मारने की कथा है, इसका मतलब यह है कि व्योमासुर को मारकर योग मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति को मिटाया, वृषभासुर को मारकर धर्म के क्षेत्र में घुसी हुई आसुरी वृत्ति को मिटाया, और केशी दैत्य को मारकर वेद मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति को मिटाया। देखो, धर्म क्षेत्र में भी असुर घुस जाते हैं, योग मार्ग में भी असुर घुस जाते हैं, वेद मार्ग में भी आसुरी वृत्ति का प्रवेश हो जाता है। तब भगवान ने उन सबको मार करके उन मार्गों को विशुद्ध कर दिया। अब देवर्षि नारद से कंस ने यह समझ लिया, नंद यशोदा का छोरा है कन्हैया, वही देवकी का आठवा है। श्री कृष्ण और बलदाव को यज्ञ के बहाने मथुरा में बुलाकर शल तोशल चाणूर मुष्टिक आदि मल्लों से मारने या कुबलयापीठ हाथी से मारने की योजना बनाया, और अक्रूर को भेजता है कंस कि जाओ तुम ले आओ, क्योंकि कंस तो क्रूर है, क्रूर के बुलाने से तो कन्हैया आएंगे नहीं, अक्रूर यदि लेने जाए कोई तो ही भगवान आते हैं। तो एक एक नाम आप इसका अर्थ समझिएगा तो अपने आप भागवत का रहस्य समझ में आएगा। तो कंस तो बड़ा क्रूर है, कंस का मतलब ही है कस हिंसायाम, जिसको हिंसा बहुत प्रिय है, छोटे छोटे बच्चों को भी मारने की, अपनी बहन को भी मारने की जो कोशिश करे, ऐसा क्रूर वही कंस है। तो उसके बुलाने से तो भगवान आएंगे नहीं, इसलिए अक्रूर को भेजा, और अक्रूर जी जाते हैं ब्रज में, और श्री कृष्ण और बलदाव को लेकर जो आते हैं, कोई आपके प्राण को पकड़कर जबरदस्ती खींच कर आपसे अलग करे, और जो पीड़ा होती है उससे अनेक गुणी पीड़ा ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण जब जा रहे हैं, अक्रूर ले जा रहे हैं, तब ब्रजवासियों को हो रही है। वो बड़ी दिव्य कथा है, यदि उस भाव कथा में डूब गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अब ठाकुर जी के विवाह की मंगलमयी कथा आपको संक्षेप में सुनानी है। तो भगवान ब्रजवासियों को विरह की व्यथा का दान करके पधारे मथुरा, मार्ग में श्री यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन दिया। भगवान ने मथुरा में आकर धोबी का उद्धार किया, सुदामा नाम के माली पर अनुग्रह किया, और कुब्जा को भगवान ने अपनाया। व्यापार जीवी, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आबाल वृद्ध मथुरा के नगरजनों का प्रेम प्रभु को प्राप्त हुआ। धनुष यज्ञ का जहाँ धनुष रखा गया था, भगवान ने उस धनुष का भंग किया, और फिर कुबलयापीड़ हाथी का उद्धार किया, महावत का उद्धार किया, शल तोशल चाणूर मुष्टिक आदि के साथ दोनों भाइयों ने, श्री कृष्ण और बलदाव ने मल्ल युद्ध करके सबका उद्धार किया, और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने और बलदाऊ ने मामा कंस का उद्धार किया। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। कंस देहाभिमान समाप्त हो गया और मथुरा पर श्री कृष्ण का आधिपत्य हुआ। अब दिव्य आनंद का, दिव्य रस का आधिपत्य है। कारागार से मात पिता को मुक्त कराया भगवान ने, चरण से लिपट गए, माता पिता ने इनको हृदय से लगा लिया, आज सुखी हुए। उग्रसेन महाराज को कारागार में बंद कर दिया था कंस ने, उन्हें छुड़ाया और उग्रसेन जी को राजा बनाया, लेकिन लोगों के हृदय के राजा तो श्री कृष्ण ही हैं। उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, 64 दिन में 64 कला सर्व विद्या को प्राप्त किए। गुरुदक्षिणा में गुरुदेव को उनका मृत पुत्र ला करके दिया है। प्रभु तो काल के भी काल महाकाल है, काल के मुख से भी गुरु के पुत्र को ला करके प्रभु ने दिया, और फिर मथुरा में आए। किसी समय में मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, उत्सव सब मना रहे हैं, और उस वक्त श्री कृष्ण को गोकुल की याद आई।
माँ यशोदा की याद आई, बाबा नंद की याद आई, बंसी भट्ट वो जमुना दट और अपने गायों के रंभाने की आवाज, और श्री कृष्ण बड़े विरहाकुल हुए। उस वक्त उद्धव जी ने देख लिया, बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य है, देवभाग के पुत्र हैं, कृष्ण के चचेरे भाई हैं। ज्ञानोपदेश करने लगे कृष्ण को उद्धव जी, संयोग वियोग के द्वंद्व को मिथ्या बताने लगे। तब भगवान ने सोचा, इस ज्ञानी को कैसे समझाऊं कि ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते सो दे, यहाँ सर दे के होते सो दे। वास्तव में ज्ञान जब अपनी परिपक्व अवस्था पर पहुंचता है तो प्रेम बन जाता है। जिस प्रकार घी भारी पदार्थ है, पच जाए तो बल बनेगा, शुक्र पच जाए संयम से तो ओज बनेगा, ज्ञान पच जाए तो प्रेम बनेगा। तो भगवान ने उद्धव से कहा, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावह गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। जाओ उद्धव जाओ, उन गोपांगनाओं के पास जाओ, तुम गोपांगनाओं को उपदेश करो, क्योंकि वे मेरे वियोग में बहुत दुखी रहती है, बेचैन रहती है। उद्धव जी को अपना पीताम्बर दिया है, जिस सुवर्ण रथ में अक्रूर जी लेने गए थे कृष्णदाव को, उसी में अक्रूर को उद्धव को भेजा है। उद्धव जी जाते हैं, घर पहुंचे उद्धव जिस जगह था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी और व्योम था निर्मल, सहस्रो गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही बानी कि वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम। नैना कजरारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, बाल घुंघरवारे हैं, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम। गोपियों ने देखा तो सोचने लगी, कस्या च्युत वेशभूषण, ये बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसा कौन है, कहां से आया। किसी ने कहा, ये तो उनका दूत है। उसी वक्त एक भंवरा गुनगुन करता हुआ आया और उस भंवरे को प्रिय प्रस्थापित दूत मान करके गोपियों ने गीत गाया, उसको कहते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर मधुबगितव बंधो मास्पृशंग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्र। बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्र।
मधु पीने वाले या मध्य पीने वाले, नशा किया है क्या, क्या गुण बना रहा है? कि तब बंधो कपटी के मित्र, उन्होंने ही भेजा है ना तुमको, मांस प्रशांग रिम, हमारे पैर को मत छूना, दूर रहो, मत छुओ पाओ, प्रणाम करने आयो। मथुरा में हमारी जो सौतने हैं उनके गले के फूल की माला पर बैठकर आए हो, इसलिए तुम्हारे पग पर वो पराग लगा हुआ, हमारे चरण को छुओ और वो पराग हम पर लग जाए, हमसे सहन नहीं होगा, जाओ जाओ यहां से जाओ। क्या गुनगुन कर रहे हो? कि मेह बहुषडंग रे गायसि त्वं यदूनाम अधिपतिमग्रहाणाम अग्रतो नः पुराणम्। उनकी कथा सुना रहे हो क्या? तो नहीं सुननी है हमें, बहुत सुन ली, कपट की तो कथा है और क्या है। वो छलिया वामन बनकर बलि राजा के पास गए, मांगते समय वामन थे, लेते समय बलि बन गए, विराट बन गए, और बलि का दो पग में तो सब कुछ ले लिया, तीसरे के लिए उस बेचारे को परेशान किया। रामावतार में वाली को शिकारी की भांति छुप करके मारा, और वो बेचारी शूर्पणखा उनके प्रेम में पागल होकर आई थी, अरे शादी ना करनी थी तो ना सही, उस बेचारी के नाक कान काट लिए। क्या महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? अब यही सब कथा है, इसको सुनेंगे तो लोग क्या सीखेंगे? बंद करो भ्रमर, बंद करो, चले जाओ यहां से, चले जाओ। हमको तो आश्चर्य हो रहा, भ्रमर तुम्हारी भांति वो भी भ्रमर मना है, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम किसी एक पर स्थिर नहीं है, तुम एक फूल पर बैठते हो, उसके रस को लूटते हो, फिर दूसरे पे जाते हो, उसको चूसते हो, तीसरे पर जाते हो, उनका प्रेम में भी एक में स्थिर नहीं है। हमको तो लगता है उस भ्रमर मना को छोड़कर लक्ष्मी क्यों नहीं चली जाती, लेकिन क्या बताएं, अब उनकी कथा सुन करके अब हमको उनके लिए प्रेम हो गया, इसलिए छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूटता। लक्ष्मी भी हृतचेता हो गई होगी, वो तो उनकी पत्नी है, छोड़कर अब जाए भी बेचारी कहां। बंद करो ये कथा, बंद करो, चले जाओ यहां से। किसने बुलाया इनको यहां? अरे हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, यहां भी सताने आ गए, ये यहां भी सताने आ गए, यहां भी सताने आ गए, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया यहां भी सताने आ गए, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, बिजली चमक के गिर पड़ी, बिजली चमक के गिर पड़ी, ओ बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया यहां भी सताने आ गए, ओ यहां भी सताने आ गए, ये यहां भी सताने आ गए, ओ यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, ओ किसने पता बता दिया यहां भी सताने आ गए, ओ यहां भी सताने आ गए। अरे हम तो सोए कफन मजार में, ये यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया,
मरे हुए को क्या मारना चाहते हो, चले जाओ भ्रमर चले जाओ। अरे एक आया था कभी मथुरा की ओर से, वो ले गया हमारे प्राण, फिर तुम आए मथुरा की ओर से, अब क्या बचा है, अब क्या लेने आए हो। बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन प्रणाम करते हैं समयाभाव के कारण। इन शॉर्ट भ्रमर गीत गोपियों के द्वारा उद्धव जी को मिली हुई प्रेम भक्ति की दीक्षा है। उद्धव जी के ज्ञान पर प्रेम का रंग लगा दिया गोपियों ने, और जब वापस लौटे मथुरा उद्धव जी तो बिल्कुल बदल कर लौटे, प्रेमी बनकर लौटे। अहो यो यम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आसामित्यर्पितं मनः दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों में कोई गौण नहीं कोई मुख्य नहीं, तीनों की आवश्यकता है। ज्ञान साबुन है, भक्ति पानी है, वैराग्य वो पाटा है जिससे कपड़े को। बिना भक्ति के जल में मन को भिगोए, यदि ज्ञान का साबुन लगाओगे तो कोरे कपड़े पर साबुन लगाने से तो कपड़ा फट जाता है, इसलिए भक्ति के जल में पहले मन के कपड़े को भिगो दो, वो भिग जाए, मन पूरा पूरा भिग जाए, ज्ञान का साबुन लगाओ, मैल मिट जाएगा। और फिर वैराग्य का पाटा लेकर के थोड़ा फटकारो, और फिर पानी में बार बार डाल के उसको निचोड़ो, सुखा दो, बिल्कुल साफ हो जाएगा। अक्रूर जी के घर गए, कुब्जा के घर गए, प्रभु उन पर अनुग्रह किया। राजा पांडु के स्वर्गवास के पश्चात भगवान के भेजे हुए अक्रूर गए और पांडवों को कुंता जी को मिले, प्रभु का संदेश दिया, धृतराष्ट्र को योग्य व्यवहार करने के लिए समझाया। दशमस्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय में पूर्ण हुआ, 50वें अध्याय से उत्तरार्ध का आरंभ हुआ। जिंदगी का भी पूर्वार्ध 49 वर्षों में पूरा हो जाता है, 50वां वर्ष लग जाए तो समझो अब जिंदगी का उत्तरार्ध शुरू हो गया। अब जरासंध आएगा, जरा यानी बुढ़ापा, अब बुढ़ापे के आक्रमण शुरू, बाल सफेद होने लगते हैं, पकने लगते हैं, आंखों का तेज कम होने लगता है। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया, 17 बार जरासंध गया, वह 18वीं बार आ रहा था। दरमियान देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल यवन आया है, भगवान ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाया है, योग माया से यादवों को द्वारका में छोड़ा, और प्रभु काल यवन को मुचुकुंद महाराज के द्वारा मराते हैं, उद्धार कराते हैं, और फिर जरासंध को छलकर दोनों भैया भागने लगे। जरासंध सेना समेत पीछा किया, भागते हुए कृष्ण बलदाव एक पर्वत पर चढ़ी गए। जरासंध ने उस पर्वत को अपनी सेना के माध्यम से घेर लिया, पर्वत को जला दिया। उसने यह समझा कि मेरे शत्रु जिंदा जल गए, वह अपने देश मगध देश चला गया। उसको पता नहीं था उस पर्वत में एक गुफा थी, और उस गुफा में घुस गए थे कृष्ण और बलदाव, उसमें गुप्त मार्ग था, उस गुप्त मार्ग से निकलकर दोनों भाई चले गए द्वारका। और द्वारका में आकर के सबसे पहले रेवती जी के साथ दाऊजी महाराज का विवाह हुआ, बड़े भैया का पहले विवाह हुआ, और फिर भगवान ने 16108 नारी के स्वामी हैं ठाकुर जी, लेकिन सबसे पहले भीष्मक तनिया रुक्मिणी जी का हरण किया, राक्षस विधि से विवाह किया। राक्षस, पैशाच, गंधर्व, ब्राह्म, ये सब विवाह के प्रकार हैं। उस समय में क्षत्रियों में राक्षस विवाह का विशेष महत्व था, क्योंकि उसमें कन्या का हरण करके लाया जाता, युद्ध भी करना पड़ता,
वीरता को प्रदर्शित करना पड़ता, और बचा तो बरेगा और मरा युद्ध में तो अप्सरा बरेगी। लेकिन भगवान ने केवल अपनी वीरता को प्रकट करने के लिए ही रुक्मिणी का हरण नहीं किया, वरन रुक्मिणी जी ने देवर्षि नारद से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी है, इसलिए श्री कृष्ण में प्रेम हुआ है और उस प्रेम के चलते वह मन से श्री कृष्ण को बर चुकी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी मन से कृष्ण को बर चुकी, एक प्रेम पत्र लिखा और सुदेव नाम के एक भूदेव पत्र पहुंचाने द्वारका आए। प्रभु ने स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया, पूजन किया। आपका नाम महाराज? बोले मेरा नाम भूदेव। कृष्ण बोले मैं वासुदेव। भूदेव बोले मेरा नाम सुदेव। कृष्ण बोले मैं वासुदेव। तो सुदेव की पूजा कर रहे हैं वासुदेव। कहिए महाराज क्या आज्ञा है? कहा कि आपके लिए भीष्मक राज तनया ने एक पत्र भेजा है। प्रभु ने कहा आप ही पढ़ सुनाओ। पर सुदेव नाम के उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र पढ़ा। बड़ा सुंदर पत्र है, 7 श्लोकों में कम से कम 1 घंटा चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि लव लेटर कैसे लिखना चाहिए यह भी भागवत से सीखो। ऐसा प्रेम पत्र सब लिखे, किसको? श्री कृष्ण को। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे कात्वा मुकुन्द महति कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणधाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती नवृणीतकन्या कालेन्द्रसिंहनरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलु वृतपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्षतु चैद्य आराद् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पुरतिष्ठ दत्त नियमव्रतदेव विप्र गुर्वर्चनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोऽन्ये शोभाविनित्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तस्समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निरमथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरी मनिहन्त्य बन्धुंस्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पुरवेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर् नवबधुर्गिरिजामुपेयात् यस्यां नृपङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हम्बुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादं जह्यामसुन्व्रतकृशाञ्छत जन्मभिः स्यात्। 7 श्लोकों में सुंदर पत्र है और भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। प्रभु तुरंत रथ लेकर के पधारे हैं और रुक्मिणी जी जहां देवी माँ के मंदिर में सखियों के साथ पराम्बा की अर्चना कर रही थी और यही मांग रही थी कि मेरे पूजन के फलस्वरूप श्री कृष्ण आवे और मेरा पाणी ग्रहण करें, प्रभु वहां पर पधारे और रुक्मिणी का हरण करके वहां से भागे। जरासंध आदि राजाओं ने पीछा किया, भगवान ने उन सबके साथ युद्ध किया। दाऊजी महाराज भी पधार गए सेना लेकर, दोनों भैया ने उन सभी राजाओं की सेना का नाश किया और तत्पश्चात रुक्मिया की सेना का नाश किया, रुक्मी को विरूप किया और छोड़ दिया, और फिर विधिपूर्वक भगवान द्वारकानाथ ने देवी रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। बस अब वही दर्शन हम करेंगे।
आज कथा थोड़ी विलंब से विराम को प्राप्त हो रही है, तो वो जो रासलीला के दर्शन हैं वो भी थोड़ा विलंब हुआ उसमें। ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए आइए अब यहाँ युगल छवि का हम दर्शन करेंगे। इस सूचना के साथ कल अंतिम दिन है और कल की कथा प्रातः समय में है, 9:30 बजे से लेकर के 1 सत्र में कथा चलेगी और कथा विराम को प्राप्त होगी। कल पुनः 9:30 बजे मिलेंगे। आइए भगवान का दर्शन आरती करें उससे पूर्व। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
श्री रुक्मिणी नाथ की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री सदगुरु भगवान की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गले बजती माला मोहन बिंद चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन समान कांति काली काली राधिका चमक रही आली आली लतन में काले वन माली वन माली भ्रमर सी अलग कसुरे तिलक चंद्र सी जलक ललित चल श्याम प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी